पहले क्या होता था, एक ब्राह्मण अगर हाथ में जल लेकर शराब दे देता था तो दोष लग जाता था। अब कानून वही ताकत उठा के उन लोगों को दे दिया है। उनको तो जल भी नहीं लेना है, बस चमार कहने भर की देर है, उसके बाद आप जेल में। गांव में गरीब गुरबा के इज्जत से जिए के कोनो हक है कि नहीं महाराज? सरकार ने शह क्या दे दिया, कपार पे मुतने लगे हैं ये लोग। मुत हम नहीं रहे हैं, बस हम अपने कपार पे मुतवाना बंद कर दिए। कांड हुआ है परसों और रिपोर्ट दिखाने आ रहे हो आज? उनका मतलब है चाहे रो चाहे गा, मगर दा यानी कि दा रो गा। ये गुलामी का गमछा जो है ना, हम बरसों से अपने गले में टांग रखे हैं। ये जो टोले की बहन बेटी है ना, इज्जत है हमारी। जवान बहन घर में बैठी है और भाई है कि रंडी पतुरिया में पैसा लुटा रहा है। बहुत भागशाली होता है जो बेटी का कन्यादान करता है। हरजन एक्ट में रपट दर्ज करवाएंगे ना, तब अकल ठिकाने आएगी इन लोगों की। सच्चाई तो ये है ना, तुम ना जात पात की लड़ाई लड़ रहे हो। ये नेता लोगों ने ऊंच नीच का भेदभाव पैदा करके ना समाज में जहर घोल दिया है। दलित बहुल है, देखिएगा अगले चुनाव में एक मुश्त वोट मिलेगा आपको। झूठी रिपोर्ट लिखाने की अगर सजा हो सकती है तो एक दलित की बेटी का इज्जत तार तार करे की तो जरूर कुछ छोटी मोटी सजा हुई में करी ना। समझ लो अब युद्ध का बिगुल बज चुका है।